तो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति टेबल का संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों को आजीवन याद रहेगा। आप लोग जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे इस त्रिकोणमिति टेबल को। तो चलिए, आज का ये जो ट्रिक है, ज़बरदस्त ट्रिक है, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में त्रिकोणमिति में आपको ये टेबल ट्रिक इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोगों को इस तरह से ध्यान में रखना है कि ये है एक टेबल। आप लोग फार्मूला कैसे याद रखिएगा वो समझिए। सबसे पहले आपको सब में 0, 1, 2, 3 और 4 दे देना है। मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताने वाला हूँ, ज़बरदस्त ट्रिक एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सब में दोस्तों आप लोगों को 4 से भाग कर देना है, सब में 4 से डिवाइड कर देना है, यानी कि भाग कर देना है, सब में यानी कि बट्टा कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आपको करना क्या है, रूट लगा देना है सब में। तो चलिए हम रूट लगा देते हैं। देखिए जैसे जैसे बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको आजीवन ये ट्रिक याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, 0 में किसी से भाग देंगे, अगर 0/4 लिखा है दोस्तों और 0 में हम किसी से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो रूट में बचेगा 0, 0 में किसी से भाग देंगे 0, और 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0। यानी कि आपको जो यहाँ बच गया, साइन में पूछेगा, ये बराबर हो गया आपका 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि 1/2 बच गया। 2 का वर्गमूल नहीं होता, यानी कि ये √2 बचेगा, और यहाँ पे 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि √2 क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 3 का कोई वर्गमूल नहीं तो हो जाएगा √3। सॉरी दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 2 से ये कटेगा, 2 से क्या होगा, कटेगा, 2 एक 2 और 2 2 4, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, और 2 जो बच गया इसमें, ये 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो √2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, 3 का कोई वर्गमूल नहीं तो √3 होगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो √3/2 बचेगा, ठीक है। और 4 4 को काट देंगे एक बार में तो दोस्तों √1 का वर्गमूल 1 होता है, कितना होता है, 1। अब आप समझ गए होंगे कि दोस्तों अगर आपको साइन 0 पूछेगा, इस तरह से पूछेगा साइन 0 बराबर कितना, तो साइन 0 बराबर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन 30 पूछेगा, साइन 30 बराबर कितना, तो देखिए साइन 30 बराबर कितना होता है, 1/2 बच गया, तो 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री पूछे तो 1/√2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 1/√2 है, समझ पा रहे हैं। साइन 60 पूछेगा, साइन 60 डिग्री बराबर कितना होगा, देखिए √3/2 है तो लिख देंगे √3/2, यानी कि इस तरह से पूछेगा दोस्तों साइन 60 डिग्री बराबर कितना, तो कहेंगे √3/2। आप लोग टेबल सारणी को चुटकियों में याद कर लेंगे, ठीक है। साइन 90 पूछेगा, साइन 90 डिग्री बराबर कितना, तो यहाँ हो जाएगा 1, साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, क्योंकि यहाँ देखिए √4/4 बराबर 1 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हो गया। अब देखिए हम लोग कॉस को बिल्कुल सिंपल तरीका से निकालेंगे, साइन वाला टेबल को उल्टा कर देना है, जो एकदम लास्ट में है उसको पहले लिखना है, यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1 होगा। उसके बाद √3/2 है तो यहाँ लिखिए √3/2, यानी कि कॉस 30 डिग्री का मान कितना, √3/2 होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हो गया, अब ये लिखेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए √1/√2, यानी कि कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अगर पूछेगा दोस्तों किस डिग्री का मान बराबर होता है, तो 45 डिग्री का मान बराबर होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होगा, समझ पाए। अब यहाँ देखिए 1/2 है तो यहाँ लिखेंगे 1/2, और 0 है तो लास्ट में चला जाएगा, यानी ये 0 शुरू में था, लास्ट में चला गया। अब हम देखिए पूछते हैं आपको कॉस 90 डिग्री बराबर कितना, तो कॉस 90 में चला जाना है, कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होगा। कॉस 45 डिग्री बराबर कितना, कॉस 45 डिग्री वाला में चला जाना है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होगा, समझ पाए। अब देखिए दोस्तों टैन उससे भी बहुत हल्का है, इस दोनों को बट्टा कर दीजिए, यहाँ मान आ जाएगा, यानी कि 0/1, यहाँ 0 है तो देखिए हमने 0 लिखा, यहाँ नीचे में 1 है तो हमने नीचे में 1 लिखा,
ठीक है। तो यहाँ जीरो में किसी से भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों टेन का मान, टेन जीरो डिग्री का मान जीरो, ठीक है। अब यहाँ देखिए टेन तीस डिग्री का मान निकालना है तो बट्टा कर देंगे। यहाँ देखिए एक बट्टा दो बटे रूट तीन बट्टा दो, दो और दो कट जाएगा तो ऊपर में बच गया एक और नीचे में बचेगा रूट तीन। नहीं समझे, मैं आपको बताया हूँ कि आपको मैं उदाहरण के साथ बताऊँगा। तो देखिए मैंने कहा एक बट्टा दो और नीचे में है रूट तीन बट्टा दो, यानी कि रूट तीन बट्टा दो। एक बट्टा दो बट्टा में दो यहाँ है और बट्टा में दो यहाँ है, कट गया, ऊपर में बचा एक और नीचे में बचा रूट तीन, यानी कि एक बट्टा रूट तीन सिंपल तरीका से निकल गया। टेन पैंतालीस में देखते हैं दोनों मान जब सेम होता है तो कट करके एक होता है, यानी कि टेन पैंतालीस डिग्री का मान जो होगा वह एक होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से ये देखिए इसमें हम निकालते हैं टेन साठ डिग्री का मान, टेन साठ डिग्री का मान कितना होगा तो दोस्तों दो और दो कट जाएगा तो सिर्फ रूट तीन बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे रूट तीन। समझ पा रहे हैं, जरूर समझ पा रहे होंगे। टेन नाइन्टी डिग्री का मान कितना होगा तो एक बट्टा जीरो, एक बट्टा जीरो का मतलब होता है उल्टा आठ और इसे हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिख देंगे उल्टा आठ अपरिभाषित, कुछ भी बट्टा अगर जीरो हो नीचे में अगर जीरो हो तो वह हमेशा के लिए आपका अपरिभाषित होता है। अब देखिए कॉट का अपने आप हो जाएगा, इसी का टेन का उल्टा कर देना है और कॉट को चुटकियों में निकाल लेंगे आप लोग। एक है तो एक, यहाँ पे एक बट्टा रूट तीन, ये वाला यहाँ चला आएगा, शुरू वाला जीरो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पूछेंगे कि कॉट 60 डिग्री का मान कितना होगा, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको कॉट 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो कॉट 60 डिग्री में चला जाना है, इस लाइन में देखिए 60 डिग्री यहाँ पे है तो इस लाइन में आइए, कॉट 60 डिग्री का मान एक बट्टा रूट तीन होगा। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होगा, एक बट्टा रूट तीन। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अब आते हैं कॉसेक जीरो में, तो करना क्या है वो ध्यान से देखिए। कॉसेक जब निकालेंगे तो साइन में चला जाना है, कॉसेक जब निकालेंगे तो साइन में चला जाना है और साइन का उल्टा कर देना है, यानी कि ये अभी है जीरो, जीरो के नीचे कुछ नहीं होता है तो एक तो होता है, इसका हम उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बट्टा जीरो हो जाएगा। या क्या करिए, एक काम और कर सकते हैं, एक तो इस तरह से निकालिए और दूसरा तरीका है अगर कॉसेक जीरो पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर में एक रख देंगे साइन वाला सारे फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। तो जीरो के ऊपर एक, जीरो दिया था देखिए, जीरो दिया था, जीरो के ऊपर में एक रखिए, कुछ भी बट्टा जीरो अभी अभी मैंने आपको बताया अपरिभाषित होता है। तो कॉसेक जीरो डिग्री का मान क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी कि उल्टा आठ होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉसेक अगर 30 डिग्री का मान पूछेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, साइन वाला फॉर्म में इसके ऊपर में एक रख देना है या फिर इसका उल्टा कर देना है, इसके ऊपर में एक रखें या फिर इसका उल्टा कर दें। इसका उल्टा करेंगे, एक बट्टा दो दिया है, इसका उल्टा करेंगे तो दो बट्टा एक होगा, यानी कि दो, कुछ भी बट्टा एक होता है तो हम वही लिखते हैं, दो बट्टा एक सब के नीचे एक होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, इसको जब उल्टा कर देंगे तो दो बट्टा एक होगा यानी कि दो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया इस जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो इसको उल्टा करेंगे तो एक बट्टा जीरो हो जाएगा और नीचे में अगर जीरो होता है तो उसको अपरिभाषित बोलते हैं, समझ गए। अब दोस्तों अगर हमें कॉसेक 45 डिग्री का मान रखना है तो फिर से साइन वाला फॉर्म में जाना है और साइन 45 को उल्टा कर देना है, एक बट्टा रूट दो है, इसको उल्टा करेंगे तो रूट दो बट्टा एक आएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम लोग रूट दो। समझ पाए दोस्तों, देखिए एक बट्टा रूट दो है, एक बट्टा रूट दो है, अगर इसको उल्टा करेंगे तो रूट दो बट्टा एक आएगा, यानी कि अगर नीचे में एक है तो उसे हम रूट दो ही लिखेंगे। अब हमें कॉसेक 60 डिग्री लिखना है तो इसका उल्टा कर देना है, दो बट्टा रूट तीन, रूट तीन बट्टा दो दिया है, रूट तीन बट्टा दो दिया है तो इसका हम लोग उल्टा कर देंगे तो दो बट्टा रूट तीन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए कॉसेक हमें 90 डिग्री बताना है तो साइन वाला फॉर्म में ऊपर में देख लीजिए एक है, एक का उल्टा करेंगे तो एक ही होगा, तो यहाँ एक लिख देना है, बस हो गया,
कॉसेक का भी आसानी तरीका से हो गया दोस्तों। अब हमें सेक का निकालना है, तो कॉसेक वाला फॉर्म को उल्टा लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक लास्ट में है तो एक को एकदम शुरुआत में रखिए, ठीक है। उसके बाद दो बट्टा रूट तीन है तो लिखेंगे दो बट्टा रूट तीन, उल्टा से चलना है। रूट दो है तो लिखेंगे रूट दो, फिर दो है तो लिखेंगे दो, अब है अपरिभाषित तो लिखेंगे अपरिभाषित। तो समझ पाए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेबल सारणी बनाने में अब कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। फिर भी इसको समझने में आपको कहीं डॉट लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप अपने कमेंट बॉक्स में वो अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देना, मैं आपको व्हाट्सएप पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको फ़ोटो खींच करके मैं आपको भेज दूँगा और वहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का वीडियो रोजाना आते ही रहता है। और एक बात, यदि आप लोग शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं सबसे सबका जो कॉमेंट होता है उसको पढ़ के उसको जवाब देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सूरज कुमार दी बेस्ट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सूरज कुमार दी बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।